अरिहंत संसारी तो हैं लेकिन कषायातीत हैं, बाकी सारे सारे कषाय से सहित हैं। मुनि महाराज, हाँ मुनि महाराज भी तो महाराज, हम तो उनको निष्कषाय मान के पूजा कर रहे थे, अभी पहले बता देते तो हम पूजन सामग्री थोड़ी कम कर लेते। हाँ व्रती हो महाव्रती हो, पहले हम महाव्रती की बात कर लें। महाव्रती के पास भी कषाय है, महाव्रती भी कषाय करता है लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी कषाय टिक नहीं पाती है। और एक गृहस्थ कषाय करता हुआ दिखता नहीं लेकिन कषाय को टिकाया रहता है। कई बार कुछ ऐसी अग्नियां होती हैं तुरंत जल करके वो समाप्त हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती जो राख के नीचे ढकी रहती हैं, जब भी राख थोड़ी सी कुरे दो वो अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। तो गृहस्थ की जो अग्नि होती है वो राख से ढकी हुई है, और साधु की कभी स्पार्क हुआ बस निकला और खत्म हो गया। हो सकता है स्पार्क इतना बड़ा हो कि ऐसे कई बार कुछ ऐसे आपके लाइटर्स आते हैं, चट करो, खूब भड़बड़ा के चलते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में जिनकी कषाय विराम को प्राप्त हो जाती है उन्हीं को हम कषाय